सत श्री अकाल दोस्तों, मैं कमरजीत सिंह मोंगा, स्टडी वीज़ा एंड टूर्स वीज़ा कंसल्टेंट, ब्रिटिश आयस इंस्टीट्यूट बागा पुराना तो। अज आप गल करेंगे कैनेडा टूरिस्ट वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स बारे। कि डॉक्यूमेंट्स ने जोड़े सानू वीज़ा दवाने के हेल्प करते हैं और जिन्हों की खराबी के होने कारण साडा वीज़ा जो ग्रांट नहीं हो पाता। तो वीडियो में एंड तक जरूर देखियो ताकि तुहाडा वीज़ा भी ग्रांट हो सके। तुसीं देख रहे हो मेरे लैपटॉप का डैस्कटॉप, डैस्कटॉप से तुसीं देखोगे एक चैकलिस्ट। चैकलिस्ट में बेसिकली जोड़े डॉक्यूमेंट्स ने थ्री कैटेगरीज ने, परसनल डिटेल, फाइनैशियल एंड प्रोफेसनल। तुसीं देख सकते हो परसनल डिटेल, फाइनैशियल एंड प्रोफेसनल, ये थ्री कैटेगरीज डॉक्यूमेंट्स ने जी थोड़ी फाइल के लगनगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप गल करेंगे परसनल डिटेल की। परसनल डिटेल के अपने को फर्स्ट ऑफ ऑल है पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटोज, वोटर कार्ड, तो ऑल अकैडमिक डॉक्यूमेंट्स। इस तो अलावा अगर तुम मैरिड हो तो तुहाड़ा मैरिज सर्टिफिकेट, अगर बच्चे आ तो बच्चे ने बर्थ सर्टिफिकेट्स, अते तुहाड़ी वाइफ दे आईडी प्रूफ, से ऑल अकैडमिक डॉक्यूमेंट्स। इन बेसिक डॉक्यूमेंट्स तो इलावा तुहाड़े पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, वाइफ, इन डेट ऑफ बर्थ, एड्रैस, तुहाड़े सिस्टर ब्रदर अगर मैरिड ने तो उन्होंने मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, एड्रैस अगर किसी होर जगह पर रह रहे नहीं तो उन्होंने एड्रैस। बस इस चीज़ के एक चीज़ ध्यान रखने योग है भी जिन्हें भी आप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इन्हों के उपर दिती हुई इनफॉर्मेशन है जी, लाइक डेट ऑफ बर्थ और नेम द स्पैलिंग्स, ये बिल्कुल मिसमैच नहीं होने चाहिए। तो नैक्सट कैटेगरी है फाइनैशियल डिटेल। फाइनैशियल डिटेल के बैलेंस, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट और अकाउंट स्टेटमेंट एंड आई टी आरस, इनकम टैक्स रिटर्न, फिक्स डिपॉजिट अगर तुहाडे कोल है तो आई टी आरस के बारे आप फिर कितने गल करा। इस तो अलावा बैलेंस सर्टिफिकेट और अकाउंट स्टेटमेंट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ने जो रीप्रजेंट करते हैं साड़ी फाइनैशियल कंडीशन। नैक्सट है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी विच तुहाडा घर, तुहाडी जमीन, शॉप, प्लॉट, गोल्ड, तुहाडी कोई व्हीकल्स, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कुछ भी तुहाडे व्हीकल्स ने उन्हां दी आरसी दी कॉपीज नाल लगेगी। तो प्रॉपर्टी और फाइनैशियल डिटेल ये रीप्रजेंट करते भी थोड़ी इकनोमिकल कंडीशन की है इंडिया के जो तुम फॉरन घूमन जाना, विजिट करना, कैनेडा विजिट कर जा रहे हो तो तुम्हें दसना पेगा थोड़ी जी इकनोमिकल कंडीशन है वो किस तरह की है। नैक्सट है प्रोफेसनल स्टेटस। प्रोफेसनल आप फार्मर भी हो सकते हैं, अपने जॉब भी हो सकती है, आप बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। समटाइम कोई परसन जॉब कर रहे हैं ते नाल उन्हां दे एग्रीकल्चर भी है तो दोनों ही कंडीशनज ही रीप्रजेंट कर सकते हैं, दोनों के डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं। अगर तुसी फार्मर हो तो जमाबंदी, जे फॉर्म, तहसीलदार सर्टिफिकेट, रेंट डील जां कोई किसी होर तरह की कोई रिसिप्ट है जितों यह पता लगता भी तुसी फार्मर हो। एक चीज़ होर ध्यान दे विच रखने वाली है, जिन्हें भी डॉक्यूमेंट्स ने उन्हां दी इंग्लिश ट्रांसलेशन करके अते नोटरी टेस्ट करके ही लगानी है। नैक्सट है बिजनेसमैन। अगर तुसी बिजनेसमैन हो तो तुहाड़ी बिजनेस दी रजिस्ट्रेशन होना, करंट अकाउंट होना बहुत ही जरूरी है। एक करंट अकाउंट दी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी ने एक अच्छी फाइल नूं लॉगिन करन वास्ते। करंट अकाउंट रीप्रजेंट करेगा तुहाडा जिहड़ा बिजनेस है वह किन्ना अच्छा रन कर रहा, तुहाडी स्टेटमेंट्स। इस तों इलावा अपने बिजनेस नूं शो करन वास्ते तुसीं इलैक्ट्रिसिटी बिल्स, फोन बिल, सिप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स, रेंट डीड्स अगर तुहाडी शॉप रेंट ते है तुसीं रेंट डीड भी लगा सकते हो। नैक्सट है जॉब। ये मैटर नहीं करता जॉब प्राइवेट है और गवर्नमेंट है। अगर तुम गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो दैन अपॉइंटमेंट लैटर, अगर प्राइवेट जॉब कर रहे हो दैन अपॉइंटमेंट लैटर तुम लगा सकते हो। जॉब सर्टिफिकेट, आई टी आरस के उपर तुहाडी ऑर्गेनाइजेशन का नेम, तुहाडी डेजिग्नेशन किस पोस्ट पर तुम काम कर रहे हो और एन ओ सी नॉन ऑबजैक्शन सर्टिफिकेट। 16 फॉर्म नंबर भी लगा सकते हो, ई पी एफ, इंपलॉइज प्रोविडेंट फंड, पे स्लिप, सैलरी, बैंक अकाउंट। अगर तुहाडी सैलरी बैंक आ रही है तो तुसी बैंक की स्टेटमेंट लगाओ। अगर तुहाडी सैलरी तुहानू कैश इन हैंड मिल रही है तो तुसी सैलरी स्लिप्स भी लगा सकते हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स ने जिहड़े तुहाडी फाइल नू स्ट्रोंग करते हैं। इन्हां नू रेगूलर जो शो किया जाता तो एक वीज़ा ऑफिसर वीज़ा ग्रांट नहीं करता। तो इस तों इलावा जे तुहानू कोई होर जानकारी की लोड़ है तो तुम डिस्क्रिप्शन दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, घर बैठे भी अपनी नॉलेज लै सकते हो। वीडियो तुम्हें पसंद आई शेयर जरूर करो, लाइक जरूर करो, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स के बिहाव से ही सानू वीज़ा ग्रांट होना है और जब ये डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं बनते तो साडा वीज़ा रह जाता। थैंक्स।